हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं लैक्मे एब्सोल्यूट स्किन नेचुरल मूज हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ। आप देख रहे हैं, ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। द पैकेजिंग इज रियली रियली स्लीक एंड ब्यूटीफुल एंड इसका प्राइस है 750 रुपीज़, लेकिन मुझे इस पे 10% डिस्काउंट मिला है, तो ये 75 रुपीज़ मुझे इस पे ऑफ मिला है दोस्तों। तो ये मुझे 650 रुपये का पड़ा है, सॉरी 675 रुपये का पड़ा है। एंड इसके साथ मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये क्लच फ्री मिला है दोस्तों। आप देख रहे हैं, ये लैक्मे का ही क्लच है। लैक्मे पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं, आप देख रहे हैं। दिस इज द क्लच, इस पे लैक्मे भी लिखा हुआ है। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने लैक्मे से 1800 की परचेजिंग की थी, जिसपे मुझे ये क्लच फ्री मिला। आप भी ये इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और 15 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है प्राइस के हिसाब से। बट ये जो स्किन नेचुरल मूज हाइड्रेटिंग है, बैक स्टेज एक्सपर्ट्स एट लैक्मे फैशन वीक ब्रिंग्स यू अ ब्रेक थ्रो मूज फाउंडेशन दैट हाइड्रेट्स द स्किन वाइल गिविंग इट अ नेचुरल ड्यूई लुक विद 34% वाटर फॉर अ हाइड्रेटेड एंड अ रिफ्रेश्ड फील, मीडियम कवरेज एंड सुटेबल फॉर एवरी डे वियर। दिस इज अमेजिंग फॉर एवरी डे। मुझे लगा था कि ये जो लैक्मे एब्सोल्यूट स्किन नेचुरल मूज फाउंडेशन आता है उसके सामने ये कुछ नहीं होगा, बट वो अपनी जगह है एंड इसकी एक अपनी जगह है। दिस इज माई फेवरेट। एंड मैं जैसा बताती हूँ, लैक्मे के हर प्रोडक्ट पे इस तरीके का एक साइन आप यहाँ पर चेक कीजिए, ऑथेंटिक रियल है या नहीं, फेक तो नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं। तो मैं आपको अब प्रोडक्ट दिखाती हूँ और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं दोस्तों आपको। जी हाँ, ये भी लैक्मे के प्रोडक्ट पे दूसरी तरफ इस तरीके के वॉच टाइप की, एक क्लॉक टाइप की बनी होती है नंबर्स की, वो भी आप ज़रूर चेक करें। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एंड दिस इज़ प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी। सो अब मैं आपको फाउंडेशन की बॉटल दिखाती हूँ। दिस इज द पैकेजिंग। पैकेजिंग इज रियली रियली ब्यूटिफुल। आई लव दिस पैकेजिंग एंड दिस इज वेरी स्लीक। एंड यहाँ पर मैंने शेड लिया है वेलवेटी बेज, शेड नंबर 02। मैंने शेड नंबर 01 इसलिए नहीं लिया बिकॉज वो पिंक टोन पे था, पिंक स्किन टोन पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो प्राइमर का काम करते हैं जो पिंक टोन पे जो फाउंडेशन आते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज, आजकल आपने देखा होगा सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में जो एक्ट्रेसेस अपने फेस पर जो नेचुरल ड्यूई येलो बेस्ड फाउंडेशन या येलो बेस्ड मेकअप जो लगाते हैं वो लोग, वो बिल्कुल नेचुरल लगता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो उसका जो लुक है वो आपको इससे मिलेगा, इस शेड से, वेलवेटी बेज शेड से। तो इस शेड को फेयर स्किन टोन वाले लोग लगा सकते हैं, व्हीटिश स्किन टोन वाले लोग भी लगा सकते हैं। मैं आपको दो डॉट्स में दिखा रही हूँ। दिस इज द फाउंडेशन एंड ये इतना ज़्यादा स्मूद और बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड वेरी वेरी यू नो वाटर बेस्ड फॉर्मूला है कि ये इतनी ईजीली स्किन में स्प्रेड होगा, उसके साथ आपके फेस पे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ वियर किया हुआ है। एंड आपको पता चलेगा कि देखिए आपके यू नो फेस पे बहुत ही ज़्यादा ड्यूई नेचुरल और ब्यूटिफुल सा एक येलो टोन, येलो बेस्ड लुक आ जाएगा, जो कि समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये आपके फेस की फाइन लाइंस को भी भरेगा। एंड फ्रेग्रेंस में कोई चेंज नहीं है, वही सिट्रसी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस है इसकी भी, स्किन नेचुरल मूज फाउंडेशन की तरह ही, इस हाइड्रेटिंग मूज फाउंडेशन की। एंड मेरा ये फेवरेट हो गया है बिकॉज मैं इसे अब एवरी डे यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे शाम को बाहर निकलना होता है, तो आप देख रहे हैं दिस इज़ द लुक, सॉरी। एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब इसके बाद किसी भी यू नो पाउडर की या किसी टचअप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो टचअप कर सकते हैं। और अगर आप इस फाउंडेशन के ऊपर 9 to 5 या फिर वेट एंड ड्राई किसी भी कॉम्पैक्ट का टचअप करेंगे तो बिल्कुल केकी नहीं लगेगा। दिस इज़ सुपर डुपर ऑसम प्रोडक्ट एंड दिस इज़ माई फेवरेट टू। सो दोस्तों, मैंने इसके बारे में बता दिया और इसकी शेल्फ लाइफ मैं बता देती हूँ आपको, 4 साल है, 3 से 4 साल, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन 15 ग्राम प्रोडक्ट
एग्जैक्ट क्वांटिटी के हिसाब से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसे इग्नोर करके इसे ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे नायका से लेंगे ना, तो वहाँ आपको ये 650 या 625 या 630 तक का ही पड़ जाएगा, क्योंकि नायका पे सेल चलती है, तो ये मूज आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर आपका स्किन टोन फेयर है तो मैं आपको शेड नंबर 02 सजेस्ट करूँगी। अगर आपका अब इसमें दो शेड्स और ऐड किए गए हैं, और अब इसमें 6 शेड्स आते हैं, पहले 4 ही लॉन्च किए गए थे, और दिस इज सुपर डुपर ऑसम। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्किन ड्राई हो या नॉर्मल हो या फिर ऑयली ही हो, अगर आप एक ठीक ठाक मॉइस्चराइज़र फेस पे मेकअप से पहले 5 या 10 मिनट पहले अप्लाई नहीं करते हो लिटिल बिट क्वान्टिटी में, तो आपके फेस पे वो लुक ही नहीं आएगा। तो जो लोग डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मॉइस्चराइज़र लगा करके ही इस्तेमाल किया कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा फेस पर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रारा, और मेरा फेसबुक पेज रारा भी ज़रूर फॉलो कीजिए दोस्तों। एंड मैं और भी बहुत सारे लैक्मे के प्रोडक्ट्स मैंने परचेज़ किए हैं, उनके रिव्यू जल्दी ही करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि इसका रिव्यू आपको कैसा लगा, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक। अगर ब्राइडल के लिए मैं इसे सजेस्ट करूँ तो कोई बुरी बात नहीं होगी, बिकॉज न्यूली ब्राइड्स के लिए, एवरीडे के लिए, दिस इज सुपर डुपर ऑसम प्रोडक्ट, नेचुरल ड्यूई फ्रेश लुक के लिए, बिकॉज समर्स में केकी मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, अपनी शादी के लिए ले सकती हैं। सो और कवरेज के मामले में शेड नंबर 02 इज़ ऑसम, शेड नंबर 01 कवरेज नहीं देता है, बिकॉज वो पिंक टोन पे है, तो वो एक फेयरनेस क्रीम जैसा काम करता है, तो आप ये यूज़ कर कीजिए अगर आपका स्किन टोन फेयर है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा एंड शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इसमें बताने के लिए अब कुछ एज सच बचा नहीं है, एंड या दिस इज़, और आप इसे सनस्क्रीन के बाद, सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।